गुस्सा बहुत ही खतरनाक होता है। आपने अपने अपनी लाइफ में देखा ही होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। गुस्से में एक इंसान सोचे समझे बिना कुछ भी कर बैठता है। वो अपने आसपास में बाहरी दुनिया में बहुत कुछ डैमेज करता है, लेकिन सबसे ज्यादा वो अपने अंदर डैमेज करता है। गुस्सा एक इंसान को जानवर बना देता है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं जिससे आपको गुस्से की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एंगर, अच्छे से समझ आएगी। एक बार एक आदमी अपनी गाड़ी का पंचर टायर फिक्स कर रहा था। उसका ध्यान गया अपने 3 साल के बेटे पे, जो गाड़ी की दूसरी तरफ कुछ स्क्रैच कर रहा था पत्थर लेके। उससे रहा नहीं गया, उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। उसने सोचे समझे बिना जिस स्पैनर से वो अपनी गाड़ी का टायर फिक्स कर रहा था, उसी स्पैनर से उसने जाके अपने 3 साल के बेटे के हाथ पे इतना मारा कि उसके 3 साल के बेटे को तुरंत हॉस्पिटल एडमिट करना। डॉक्टर ने कहा एक ही सोल्यूशन है, 3 उंगलियां रिमूव करनी। जब सर्जरी हो गई, बेटे ने अपने बाप से पूछा, फादर When will my fingers grow back? मेरी उंगलियां कब वापस आएगी? उस इंसान को बहुत ही दुख हुआ, गुस्सा आया। वो अपनी गाड़ी के पास गया, गाड़ी को मारने लगा और उसने देखा कि उसका बेटा उस वक्त पत्थर से क्या लिख रहा था। उसने देखा उसके 3 साल के बेटे ने लिखा हुआ था, डैड आई लव यू। ये होता है गुस्सा। अब इस गुस्से को कंट्रोल में कैसे लाया जाए? सबसे पहले यह समझिए कि हमें गुस्सा तभी आता है जब हमारे आसपास में ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही होती है जो हमें पसंद नहीं आती, ऐसी बहुत सारी चीजें जब हमें नहीं मिलती हमें गुस्सा आता है। लेकिन आपको यह समझना है कि आप शायद बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, या मुंबई में क्या हो रहा है, आसपास में क्या हो रहा है, शायद इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपके अंदर क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या होना चाहिए, आप उस चीज पे जरूर काम कर सकते हैं। क्योंकि आपके अंदर वही होना चाहिए जो आपको चाहिए। आपके अलावा किसी और का ये डिसीजन नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर क्या होना चाहिए। और आप क्या चाहते हैं कि आपके अंदर क्या होना चाहिए? अगर आपके पास 2 चॉइसेस हो, एंगर, गुस्सा या खुशी, तो आप क्या चूज करेंगे, क्या चाहेंगे आपके अंदर? खुशी, राइट? गुस्सा कोई नहीं चाहे। तो आप पब्लिक ओपिनियंस को चेंज नहीं कर सकते, आप दुनियादारी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपके अंदर क्या हो रहा है उसे आप जरूर चेंज कर सकते हैं, उसे आप जरूर कंट्रोल में ला सकते। लेकिन इसके लिए आपको अपने थॉट्स, इमोशंस और अपनी बॉडी को सिंक में रखना होगा, अलर्ट रहना होगा, अवेयर रहना होगा। जब भी आपको गुस्सा आता है, 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें, 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचिए क्या सही है क्या गलत है। अपने अंदर की सारी अच्छाइयों को महसूस करिए और तुरंत आपको खुशी महसूस होगी, आपको अच्छा लगेगा। और जब तक आप अपनी आंखें खोलेंगे, गुस्सा गायब हो गया होगा।